हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मैनेजर और आप देख रहे हैं ऑनलाइन मैनेजर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि अगर आपके पास गैस कनेक्शन की एलपीजी आईडी नहीं है तो वो एलपीजी आईडी किस प्रकार से आपको अपने मोबाइल पीसी या फिर लैपटॉप में किस प्रकार से निकाल लेनी है। तो आपको इस वीडियो के अंदर पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल का आइकन है उसे भी क्लिक कर ले ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपने लैपटॉप पीसी या फिर मोबाइल में सबसे पहले कोई सा भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे सर्च बार पे सर्च करना है माई एलपीजी। जैसे अपन माई एलपीजी सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो एलपीजी की जो ऑफिशियल साइट है वो आ जाएगी माई एलपीजी डॉट इन। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो एलपीजी का है वो होम पेज यहाँ पे आ जाएगा। तो अपने को यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो भी आपका कनेक्शन है उस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो मेरा इंडियन पे है तो इंडियन पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। जैसे अपन ने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ नया पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे गिव योर फीडबैक ऑनलाइन, तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फीडबैक ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन एक नया पेज ओपन हो चुका है। तो आपको सिंपली यहाँ पे एलपीजी पे क्लिक कर लेना है। जैसे अपन एलपीजी पे क्लिक करेंगे, एलपीजी पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने यहाँ पे नया पेज ओपन हो चुका है। तो अपने को यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी एंड सब कैटेगरी टू लेट यूज हेल्प यू, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो अपने को सिंपली यहाँ पे सब्सिडी रिलेटेड कर लेते हैं। सब्सिडी रिलेटेड पे यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई तीन ऑप्शन आ रहे हैं, सब्सिडी नोट रिसीव्ड, आधार लिंकिंग इश्यू और आधार कार्ड रिलेटेड। तो आपको आधार लिंकिंग इश्यू इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक दो मोबाइल नंबर का और एक एलपीजी आईडी का। तो आपको सिंपली एलपीजी आईडी निकाल लेनी है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नाउ योर एलपीजी आईडी, तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है अपन को। तो ये मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नेम, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नेम यहाँ पे धुनी इंडियन गैस वितरक, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अपन को सिंपली यहाँ पे कंज्यूमर नंबर यहाँ पे डालना है जो आपकी डायरी में होगा, आपकी जो कनेक्शन की डायरी है उसमें कंज्यूमर नंबर होगा। और फिर फाइंड पे क्लिक कर लेना है। तो कंज्यूमर नंबर अपन एंटर कर देते हैं। तो जैसे मैंने फाइंड पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारी जो एलपीजी आईडी है वो यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे कंज्यूमर नेम भी आ चुका है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लगी हुई आ रही है और आप सबमिट पे भी क्लिक कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपनी जो एलपीजी आईडी है वो अपने मोबाइल में घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।